दुखा की घटना हुई है जिदी जिनी निंदा की जाए उन्नी घट है। तो इस तरह घटनावां ना हो, उस मैं पूरे पंजाबियों अपील करदा कि जिन्या भी धार्मिक संस्थावां हैं, धार्मिक अदारे हैं, धार्मिक थावां हैं, चाहे वह किसी भी धर्म नाल रिलेटड है, उन्हां दा पूरा ध्यान रखा जाए। कोई गलत एजेंसियां, गलत ताकतां, गलत रोल खेलण की कोशिश कर रही होण, उन्हां नूं बेनकाब भी किया जाएगा। श्री दरबार साहब विखे हुई बेअदबी के मामले ने जिथे सिख संगतां दे हिरदिआं नूं वलुंदर के रख दिता है, उत्थे ही इस मामले विच पंजाब सरकार भी पूरी तरह संजीदा नज़र आ रही है। बीते दिनी हुई बेअदबी की घटना तो बाद हुण पंजाब दे मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी श्री अमृतसर साहब पहुँचे ने, जिथे कि उन्हां दरबार साहब विच नतमस्तक हुंदिआं पंजाब दे मीडिया नूं संबोधन भी किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने बेअदबियां नूं लैके कई वड्डे ऐलान किए ने। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने आम लोगों नूं धार्मिक थावां दा पूरा ध्यान रखण की अपील की है। उन्हां कहा है कि वोटां करके कई गलत ताकतां अजिहे कारनामिआं नूं अंजाम दे सकदियां ने, जिस नूं कि सरकार वल्लों पूरी तरह बेनकाब किया जाएगा अते बेअदबियां दे दोषियों नूं किसी भी कीमत ते बख्शिया नहीं जाएगा। इस तरह है कि कल जिहड़ा हादसा होया उस करके मन बहुत भरिया होया है, तो मेरा किसी तरह भी कोई प्रेस नूं संबोधन करन दा विचार नहीं सी, पर तुसी लोग ने भी अपना कम करना है, इसलिए मैं तुहानूं दसना चाहुंदा कि कल की घटना तो बाद जिहड़े हिरदे वलुंदरे गए है मैं सिर्फ भरिया मन होण करके अज गुरु साहब के दर्शनों वास्ते आया। रंधावा साहब पहला आके गए है तो हुण मेरे नाल फिर आए है, सो एक बहुत ही मंदभागी घटना हुई है जिहदी जिन्नी निंदा की जाए उन्नी घट है। तो इस तरह दीआं घटनावां ना होण, उस लई मैं पूरे पंजाबियों नूं अपील करदा कि जिन्नियां भी धार्मिक संस्थावां हैं, धार्मिक अदारे हैं, धार्मिक थावां हैं, चाहे वह किसी भी धर्म नाल रिलेटड है, उन्हां दा पूरा ध्यान रखा जाए। हो सकता है कि चुनावां करके कोई गलत एजेंसियां, गलत ताकतां गलत रोल खेलण की कोशिश कर रही होण, उन्हां नूं बेनकाब भी किया जाएगा। तो मैं संगतां नूं भी अपील करदा कि वो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखण, गुरद्वारों का ध्यान रखण, मंदिरों का ध्यान रखण, धार्मिक थावां का ध्यान रखण, तो आपसी सद्भावना ते प्यार ते अमन शांति बनाई रखण। कपूरथला विखे हुई बेअदबी की घटना से बोलदिया मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा है कि सरकार अजिहे लोगों नूं किसी भी कीमत पर नहीं बख्शेगी। उन्होंने बेअदबी के मामलों की पड़ताल कराने के हुक्म भी दिए ने। ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੀ 20 ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ? ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਮਨਸੂਬੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਨਾਪ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ? ਇਹ ਤਾਂ 100% ਹੋਣੀ ਉਹ ਹੈ, इस दी तह तक पहुंचने की पूरी कोशिश की जाएगी और पहुंचा जाएगा। अपने वालों मैं इस देखो इस चीज़ की सेंसिटिविटी देख के, इस चीज़ के दुख को देख के ही मैं तुरंत इत्थे आया, तो इस चीज़ का असी पूरी घोख करांगे ते इसकी तह तक पहुंचांगे। दस दिए कि बीती शाम श्री दरबार साहब विखे बेअदबी की घटना को अंजाम देने लई एक दोषी गुरु साहब की ताबे अंदर जंगला टप के बढ़ गया सी। हालांकि दोषी बेअदबी की घटना को अंजाम देने विच असफल रहा सी अते मौके ते मौजूद सिख संगतां ते सेवादारां वल्लों उस नूं काबू कर लिया गया, जिस नूं के बाद विच सिख संगतां वल्लों सोधा ला दिता गया सी। श्री अमृतसर साहब तो हरजीत गरेवाल, पंजाबी लोक चैनल।